ये जो कार है रेनॉल्ट की क्विड है, इसके अंदर क्या कहते हैं गाड़ी मिसिंग कर रही है, ठीक है। और जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी चेक इंजन लाइट आ रही है, तो स्कैनिंग करते देखते पहले क्या DTC क्या ट्रबल कोड आ रहा है। रेनॉल्ट है तो ऑटोमेटिक में देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें बहुत सारे DTC आ रहे हैं, इसको भी क्लियर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं सिलेंडर 1, ब्रेक, एक्सीलेटर, पैडल पोजीशन, सिग्नल एंड सिलेंडर 1। बहुत सारे मतलब इसके अंदर DTC आ रहे हैं, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक नंबर इंजेक्टर का भी बता रहा है, कंट्रोल सर्किट ओपन का दिखा रहा है, सिग्नल कंट्रोल सेफ्टी मोड, बहुत सारे DTC आ रहे हैं इसके अंदर। एक बार इसको क्लियर करते फिर देखते हैं, कुछ कुछ एक्टिव स्टेटस है, कुछ मेमोरी है इसके अंदर, ठीक है। एक बार स्विच ऑफ कर देते इसलिए थोड़ा टाइम ले लेता है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर बाकी कुछ DTC नहीं आ रही है, क्या आ रही है अभी थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर दूसरा बताएगा इसमें अगर कुछ फॉल्ट रहेगा तो। ये जो DTC इसके अंदर आ रही है, बाहर एक पाइप पे सेंसर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो ट्रबल को DTC दिखा रहा था वो ये सेंसर का दिखा रहा है, जैसा कि देख सकते हो ये सेंसर लगा हुआ है एयर के पाइप के ऊपर, ठीक है। इसका वायर अंदर से ब्रेक, तभी हम लोग ने खोल के देखा, मतलब कट फिट किया हुआ था किसी ने, बरबर से जॉइंट नहीं था, ठीक है। जैसा देख सकते हो ये उसका वायर है, इसका DTC मतलब जो ट्रबल कोड दिखा रहा था ये सेंसर का दिखा रहा था, ठीक है। ये स्विच है, ठीक है, सोलेनोइड, इसके बारे में बता रहा था। इसको जॉइंट कर लेते फिर देखते क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब चेक करते इसके अंदर क्या बता रहा है, ठीक है। जैसा ये पहले बता रहा था एक पाइप का सिग्नल जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो फॉल्ट क्लियर कर लेते हैं, वापस से इसको देखते क्या दिखा रहा है। नो ट्रबल कोड दे रहा है, ठीक है। बट अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ एक बार, फिर देखते क्या दिखा रहा है, चेक करते भी। एक सेकंड गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तो इसके अंदर चेक लाइट तो चली गई बट वापस से आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसमें दो चेक लाइट आता है, एक चेक लाइट का वाई भी रहता है, चेक लाइट की जैसा बना हुआ, ठीक है। अब इसको देखते क्या DTC आ रही है, जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर एक लाइट जल रही है, तो सेम चेक लाइट की जैसा, जैसे सर्विस लाइट रहता है सेम उसके जैसा ही है। तो अभी जो इसमें DTC आ रही है, जैसा कि देख सकते हैं इसमें एक नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, एक सिलेंडर का बता रहा है, और एक ब्रेक, एक्सीलेटर, पैडल पोजीशन, सिग्नल, ब्रेक स्विच। अगर इसके अंदर चार वायर का रहेगा तो ब्रेक स्विच का इशू रहेगा, ठीक है, नहीं तो एक्सीलेटर पैडल का। आगे देखते हैं क्लियर कर। तो उसका इंजेक्टर का बता रहा है, अभी मैंने चेक किया है कि एक वायर करके, तो इसका एक इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, शायद ये जो क्या कहते हैं मैनिफोल्ड के नीचे इसका इंजेक्टर लगा हुआ है, वायर कहीं से ब्रेक कटा हुआ है, ठीक है।
तो इसके लिए मैनिफोल्ड खोलना पड़ता है, बहुत टाइम लगेगा। जैसे जो ये सॉकेट देख रहे हैं आप, यहाँ से इसका कोई वायर ब्रेक है, ठीक है, इसके लिए मैनिफोल्ड खोलना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये इंजेक्टर का ही है, अगर ये कर देंगे तो गाड़ी ओके हो जाएगी, मतलब इसमें से कोई वायर जो है इसका कटा हुआ है, ठीक है, अगर ये काम कर देंगे तो गाड़ी ओके हो जाएगी। इसमें से मेरे ख्याल से 3 नंबर का या 1 नंबर का दिखा रहा है इसमें, बट कोई इसमें कटा हुआ जरूर है, ठीक है, एक वायर ब्रेक है, वो करने से गाड़ी सही हो जाएगी, क्योंकि बाकी फॉल्ट क्लियर हो गया, सिर्फ एक इंजेक्टर का बता रहा है और वो ब्रेक स्विच का, उसका तो इतना इशू नहीं है, बट इसमें जो बता रहा था इंजेक्टर का, यानी इसमें से कोई वायर ब्रेक है, कॉइल वगैरह का, प्लग वगैरह का इशू नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इंजेक्टर का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी की वीडियो देख